आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हद होती है हर बात की। अरे यहाँ मैंने और लीला ने डिंपल की शादी एक साल पोस्टपोन करने का फैसला किया है और वो है कि मोटा भाई मैं कुछ कहूँ? हाँ कहो बेटा। अगर आप डिंपल की शादी डिले करने के सोच रहे हैं तो आप प्रार्थना सभा भी मत रखिए। लेकिन देवकी डिंपल की शादी का प्रार्थना सभा से क्या लेना देना? आप दीदी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा रख रहे हैं ना, तो अगर डिंपल की शादी डिले हो जाएगी तो दीदी को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। नहीं, मुझे रहना ही नहीं है अब इस घर में। मेरी बात तो सुनी चाहिए। बस कहाँ है मेरा पर्स? देखिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना अनजाने में तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं गरीब घर की बेटी। तुमसे कोई गलती नहीं हुई मीनाक्षी। वाह, हमेशा मेरी बात का गलत मतलब निकालती हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है चारू बड़ा बहन। देखिए उस दिन जब आप आए तब आपने बा को जय श्री कृष्ण कहा, तो जवाब में बा ने भी आपको जय श्री कृष्ण कहा, तो बताइए कहाँ से गलत मतलब निकाला बा ने? हश पार्ला पीपल। मीनाक्षी मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रही हैं, लेकिन अखबार में आपका नाम डाल तो दिया है। मैं उसकी भी बात नहीं कर रही हूँ। मैंने बा से सिर्फ इतना कहा कि प्रवीणा भाभी की प्रार्थना सभा में हम सबके लिए चाय कॉफी का इंतजाम करें, तो भड़क गई मुझ पर जैसे कि मैं अपने लिए कोई फरमाइश कर रही हूँ। अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं नहीं आऊंगी प्रवीणा भाभी की प्रार्थना सभा में। मैं और मालती मम्मी बाहर बैठ कर ही प्रार्थना कर लेंगे। इतना तो सोचो सुबोध, लोग कितनी दूर दूर से आएंगे, कितनी ट्रैफिक झेलेंगे, कितने गड्ढे हैं, कितनी तकलीफ होगी उन्हें। अरे ट्रैफिक में पूरा मेकअप भी। कितनी तकलीफ होगी सबको सुबोध, है ना? मैं नहीं मानता कि बा इतनी सी बात पे भड़की होंगी आपके। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जाओ जाकर पूछो बा से। मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रवीणा भाभी की प्रार्थना सभा हम अच्छी तरह करें ताकि सबको पता चले कि वो हमें कितनी प्यारी थी। हम बाहर से सिंगर मंगवाएंगे, उनसे लाइव सिंगिंग करवाएंगे। आरू बाला बहन, मैंने यहाँ तक कहा कि मैं स्पॉन्सर करूंगी, फिर भी भड़क गई मुझ पर। सही तो है, हमारी भाभी के लिए प्रार्थना हम करेंगे, किराए पे सिंगर क्यों मंगवाए? हाँ क्या हाँ? गाएगा कौन? गाते गाते सबके गले भर आते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो हम रोते रोते गाना गाएंगे ना। देखिए पंखी लानिया पिंजरो जूनो जो शट अप। मीनाक्षी तुम तो फिर भी गा लोगी क्योंकि रोना तुम्हारी हॉबी है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? जिसे जैसा आता है वैसा गा लेंगे। यहाँ कोई सिंगिंग कंपटीशन नहीं होने जा रही है, प्रार्थना सभा प्रवीणा भाभी की आत्मा की शांति के लिए है, किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं। निकालो, तुम सब मिलके मेरी बात का गलत मतलब निकालो। चारू वाला बहन ऐसा नहीं। नहीं नहीं चारू वाला बहन, हम सिंगर विंगर नहीं बुलाएंगे, भजन वगैरह सब हम ही लोग गाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई ढंग का साउंड सिस्टम तो हो। जैसे लीला भाभी की आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन अगर साउंड सिस्टम अच्छा हो तो उनकी आवाज अच्छी लगेगी ना। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती सुबोध, और वो चाय उसके बारे में मैं बा से बात कर लूंगा। मैं तुम्हें बा से बात करने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ। तुम्हें नहीं करनी ना तो मत करो बा से बात। निर्मल को मेरी बात जची है, वो गया है बा से बात करने। मैं उस झूठी को एक थप्पड़ मारने वाली थी। और हेमल तू चारूबाला की आधी अधूरी बात सुनकर बा से बहस करने चला आया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मोटा भाई लेकिन चारूबाला बहन की बात सही है, लोग दूर दूर से आएंगे प्रवीणा भाभी की प्रार्थना सभा में, तो फिर उन्हें चाय पानी। अरे मैं तो नाश्ता देने को तैयार हूँ एमल, हमारी प्रवीणा खुद नाश्ता देने के फेवर में थी। उसने एक दिन कहा था बा भगवान न करे बाय चांस आपकी खटिया उलट गई, ऐसा ही कहा था उसने। तो हम आपकी प्रार्थना सभा में नाश्ता जरूर रखेंगे क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता। हम उसकी प्रार्थना सभा में नाश्ता और चाय जरूर रखेंगे। हाँ अरविंद,
फिर आप चारूबाला बहन पर क्यों बरस पड़ी? हेमल, घर में जवान बहू का देहांत हुआ है और वो जश्न मनाने की बात कर रही थी। फाइव स्टार होटल का मेनू कार्ड उसने बिना पढ़े ही सुना दिया। वेजिटेरियन चाओ चाओ, मंचूरियन पाओ पाओ, समझ में ना आए ऐसी डिशेस। तू जरा सोच, मैं मेरी डायरी में लिख नहीं पाया तो लोग खा कैसे पाते? हर बात में दिखावा, हर बात में। प्रार्थना सभा में रखने के लिए फोटो फ्रेम की बॉर्डर रियल गोल्ड की होनी चाहिए और दिया जर्मन सिल्वर का, एंटीक डिजाइन का होना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। और अगरबत्ती इम्पोर्टेड। और प्रार्थना सभा में भजन गाने के लिए रघुभाई गढ़वी एंड पार्टी को ही बुलाना। रघुभाई गढ़वी याद है हेमल तुझे? इस तरह बोलते हैं। अब ये प्रार्थना सभा इसके साथ यहीं समाप्त होती है। अगर भजन की कैसेट किसी को चाहिए तो मंच पर आकर 75 रुपए में ले सकते हैं। हद होती है हर बात की। अरे यहाँ मैंने और लीला ने डिंपल की शादी 1 साल पोस्टपोन करने का फैसला किया है और वो है कि मोटा भाई, मैं कुछ कहूँ? हाँ कहो बेटा। अगर आप डिंपल की शादी डिले करने के सोच रहे हैं तो आप प्रार्थना सभा भी मत रखिए। लेकिन देवकी, डिंपल की शादी का प्रार्थना सभा से क्या लेना देना? आप दीदी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा रख रहे हैं ना, तो अगर डिंपल की शादी डिले हो जाएगी तो दीदी को कितनी तकलीफ पहुंचेगी? दीदी डिंपल की शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड थी ये आप मुझसे पूछिए। हाँ ये तो सच है देवकी, प्रवीणा तो लीला से ज्यादा एक्साइटेड थी शादी के लिए, लेकिन उसके बगैर डिंपल की शादी में कोई मन से शामिल नहीं हो पाएगा। देवकी प्रवीणा की कमी सबको खलेगी। दीदी की कमी तो जिंदगी भर सबको खलेगी मोटा भाई, सिर्फ डिंपल की ही शादी नहीं, सबकी शादी पर त्योहार फंक्शन आप क्या क्या और कब तक टालेंगे? हंसना मुस्कुराना सब बंद। बेटा बा अगर शादी 1 हफ्ते के बाद होती तो मैं खुद ही रिक्वेस्ट करती, लेकिन शादी के लिए अब तक 2 महीने हैं। हमें दीदी की यादों के सहारे जीना सीखना होगा बा। दीदी की आत्मा की खुशी के लिए हमें डिंपल की शादी पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें हंसी खुशी शामिल होना चाहिए। चारूबाला बहन भी ऐसे मौके पर कैसी कैसी फरमाइशें करती हैं। लीला भाभी ये कहाँ रखूं? ये कप सॉसेज है। हाँ लाइए। हेमल भाई अजीब है ना, इत्तेफाक से मुझे ओके ब्रांड के ही कप सॉसर मिले और मिले आया, लेकिन वो जो दुकानदार था ना कमाल का था, 1 नंबर का नमूना था। मुझे कहने लगा आप प्रार्थना सभा के लिए हॉल भी हमसे ही बुक करवाएं, बर्तन भी हमसे ही ले लो, हम डिस्काउंट करवा के देंगे। मैंने बार बार कहा कि प्रार्थना सभा हमने घर पर ही रखी है, तो बोला कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। क्या ऐसे ही? मैंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया तो उसने लिटरली बोल दिया कि कोई बात नहीं, अगली बार जब ऐसा मौका आएगा तो सेवा का मौका हमें ही दीजिएगा, हम सारा बंदोबस्त कर देंगे, आप लोग सिर्फ आओ और आराम से रो। ऐसे कैसे लोग बातें कर सकते हैं, मैं देखती हूँ। मुझे भी भाभी, मुझे भी समझ में नहीं आया, मुझे भी ताज्जुब हुआ, लेकिन मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ। अरे वो ये कहना चाहता था कि ऐसी अशुभ घटना हमारे यहाँ और एक बार घटेगी। निर्लज्ज बेशरम नहीं का। वो सबका अपना अपना काम होता है। अब आप मोटा भाई को ही देख लीजिए, वो एक इंश्योरेंस एजेंट है, अगर किसी की डेथ हो गई तो उसके फैमिली को क्लेम करने के लिए इंक्वायरी तो करनी पड़ती है कि डेथ कैसे हुई कब हुई, तो उसके फैमिली मेंबर्स को तो यही लगता होगा ना, हम तो वैसे भी दुखी है, ये आदमी और दुखी करने आ गया। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मोटा भाई अपना काम बंद कर दे। बोलो। आपने सही कहा देवकी बहन, बहुत समझदार है आप, लगता है आपने डबल इंटरव्यू पास किया है। तुम्हारी गोमती मासी का फोन आया था लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं पाई, फोन कट गया। अब यहाँ आएगी और ड्रामा शुरू कर देगी।
मतलब? मतलब यहाँ आएगी ना तब बिल्कुल नॉर्मल होगी वो, लेकिन जैसे बा को देखेगी तो दहाड़े मार मार के रोएगी और गिर पड़ेगी। मैं मिल चुकी हूँ गोमती मासी से, वो ऐसी नहीं है। ऐसे मौके पर देखा नहीं है आपने उसे? मैंने देखा है लीला भाभी। जब मोटा भाई के बारे में अशुभ समाचार सुनने को मिले थे ना तो बेन, मेरी बात सुनिए। अब कौन लिखेगा डायरी? उसकी डायरी और पेन अनाथ हो गए। गोमती बेन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी पिछले साल ही मिला था वो मुझे। मैं अंधेरी में एप्पल खरीद रही थी, इत्तेफाक से वो वहां आया और आधे घंटे की मेहनत के बाद एप्पल के भाव में 50 पैसा पर किलो कम करवा के दिया। तभी बोला था वो कि बार्गेनिंग करना सीख लो, मैं हमेशा नहीं रहूंगा आपके साथ। काश तभी मैं समझ गई होती उसका इशारा। अरे इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से मैंने उसे खिलाया था, इन्हीं हाथों से उसकी नेपी चेंज। अब मेरी बेटी राखी किसको बांधेगी? ए भगवान, तू कितना कठोर है। अब शांत होइए, शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मीनाक्षी तू क्या रोई जा रही है? तुझे पता नहीं कि अरविंद आ गया है? बस मीनाक्षी बस। लेकिन वो सच्चे मन से रोई थी। मीनाक्षी भाभी, वो सबकी डेथ पे सच्चे दिल से ही रोती है और सबके लिए सेम डायलॉग बोलती है। अब मोटा भाई के वक्त जो भी बातें कही होगी ना उन्होंने, सेम मेल का फीमेल करके प्रवीणा दीदी के लिए भी कह देगी, देख लेना। ऐसा नहीं है देवकी। अरे मैं बोल रही हूँ ना, दिया तीन का भाव। भाभी लगी शर, दिया 10 का भाव, दिया 5 का भाव। सॉरी, वो मुझे भी आदत है ऐसी शर्त लगाने की। खामखा आपको नहीं, लगाती रहो शर्त। मेरी प्रवीणा को भी अक्सर शर्त लगाने की आदत थी। 1 सेकंड को लगा कि मेरी प्रवीणा वापस आ गई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।